लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। आज जहां आए दिन हम नन्हे बच्चों के शोषण की खबरें सुनते हैं, वहीं प्रसन्नचेतस फाउंडेशन नाम की एक चंडीगढ़ स्थित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य और सुरक्षित बचपन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में प्रसन्नचेतस फाउंडेशन ने सेफ चाइल्डहुड के अपने इस उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने के लिए 17 और 18 नवंबर को एक इवेंट शेड्स ऑफ चाइल्डहुड का आयोजन किया गया, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया। इसमें 3 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों ने भाग लिया। इस ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से बच्चों की विचारधारा को समझने की कोशिश की गई और खासकर उन्हें मौका दिया गया अपने सबसे बड़े डर को ड्राइंग के माध्यम से व्यक्त करने का। बच्चों के माता पिता को भी इसमें शामिल किया गया। इस इवेंट के दौरान मंजुला, जो कि प्रसन्नचेतस फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि आप सभी को नमस्कार, मैं मंजुला, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ प्रसन्नचेतस फाउंडेशन के नाम से। और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन उद्देश्य है बच्चों में एक सुरक्षित चाइल्डहुड क्रिएट करना। और इसी मिशन पे हमने ये पूरा 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक चाइल्ड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया था, जिसमें हमने चंडीगढ़ की जितनी फेमस जगहें हैं VR मॉल, एलांटे मॉल और सेक्टर 7 सोशल में डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें खासकर हमने एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें बच्चों से उन्हें ये बोला गया कि आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपको प्यार करता है और वो फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता है, आज आपको उन्हें ड्रॉ करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने बच्चों को ये छूट दी थी कि आप उन्हें जितना भयंकर या भयानक बनाना चाहें आप उन्हें उतना भयानक बना सकते हैं। सो कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल रिजल्ट निकल कर आए। बच्चों ने वो जो बातें शायद वो कभी कह नहीं सकते थे या जिसके लिए हमेशा शायद उन्हें एक्सप्रेस करने से पहले ही चुप करा दिया जाता था, उन्होंने ड्राइंग्स के माध्यम से वो सब कुछ बिना शब्दों के हम तक पहुंचाया। एंड बेसिकली इसमें हम लोगों ने साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की भी मदद ली थी, जिन्होंने इन पेंटिंग्स को, इन ड्राइंग्स को इवैल्यूएट किया एंड फिर पेरेंट्स को भी आगे गाइड किया गया कि यस कहाँ पे बच्चों को मदद की ज़रूरत है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बढ़ चढ़ कर उम्मीद से ज़्यादा। सारे बच्चों को हमने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स दिए एंड खासकर वो बच्चे जो अपने डर को बाहर लेकर आए एक ड्राइंग के माध्यम से, उन्हें हमने स्पेशल प्राइज भी दिए। सो कहीं हमारा मिशन यही था कि बच्चे कई सारे डर से गुजरते हैं या बहुत सारी ऐसी इनहिबिशंस होती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर हमने पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि अगर अचानक से आपका हंसता खेलता बच्चा चुप हो जाए तो ज़रूरत है उसके साइलेंस को समझने की, उसके अनकहे शब्दों को पकड़ने की कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सो ये एक हमारा एक और तरीका था जिससे हमने सारे लोकल मासेस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की एंड इसी डायरेक्शन में आगे हम लोग इस मास अवेयरनेस को या सेंसिटाइजेशन को रूरल और इवन रिमोट एरियाज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड प्रसन्नचेतस फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव टू प्रमोट सेफ एंड हेल्दी चाइल्डहुड में प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। इस मौके अपनी खुशी और भावनाएँ व्यक्त करते हुए बच्चों के माता पिता ने कहा कि ये जो फाउंडेशन के द्वारा जो ये किया गया है प्रोग्राम, ये बहुत ही अच्छा है, इससे एनकरेजमेंट मिलती है बच्चों को और बच्चे जो हैं उनकी जो अंदर की कला है वो उभर के आती है, उन्हें एक पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। ऑल अराउंड मेरे को काफ़ी बच्चे यहाँ देखे हैं मैंने, बहुत सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है और मेरे बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। हाँ, ऐसे प्रोग्राम जो हैं ड्यूरिंग एवरी ईयर होने चाहिए हर जगह पे, बच्चों स्कूल्स में भी और ऐसी जगहों पे भी, ताकि बच्चे जो हैं अपने आप को और उभार के लाएँ। तो इस फाउंडेशन और नेशनल बर्ड जो मीडिया पार्टनर है उनका मैं थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि उन्होंने ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ की है और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। मैं गौरव शर्मा, मेरी गुड़िया है भविका शर्मा, 4 ईयर ओल्ड है। यहाँ पे प्रसन्नचेतस फाउंडेशन के बिहाफ पे एक यहाँ पे कॉम्पिटिशन हुआ था कलरिंग का, तो इसमें हमने पार्टिसिपेट करवाया था। काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर होता है बेबीज़ का, तो काफ़ी उन्होंने हमें मोमेंटोज दिए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मैं प्रसन्नचेतस फाउंडेशन और नेशनल बर्ज मीडिया पार्टनर हैं जो, उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, ऐसे मतलब एक्टिविटीज़ को करते रहें, इन फ्यूचर भी वो करते रहें। थैंक यू। नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्य की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।